स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर में 250 किसानों को धान की राशि नहीं मिलने से वे नाराज हैं। इस मुद्दे पर किसान संगठन ने कलेक्टर से मुलाकात की। किसानों ने अपनी समस्याओं को सुनाया और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें धान की राशि मिलने का समय बीत गया है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति परेशान हो रही है। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्हें तत्काल सहायता की जाने की वादा किया। किसानों ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने और भी न्याय की मांग की है। इसके अलावा किसान संगठन ने अगले कदम के रूप में धरना प्रदर्शन की संभावना भी जताई है। जबलपुर से अंकित। मैं ग्राम बरोदा से आया हुआ हूँ। चंसौरिया बेयर हाउस में हम लोगों की धाने जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में तुल चुकी हैं, जिनका आज तक भुगतान नहीं हो रहा और परिवहन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा समस्त किसान हम लोग आए हुए हैं और हमारी पीड़ा को ना कलेक्टर समझ पा रहा है ना और उच्च अधिकारी समझ पा रहे हैं। कितने किसान हैं आप लोग? लगभग 250 किसान, 300 करीब। कब से आपका ये पैसा फंस गया? जी जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोगों की सबकी धानें तुल गई हैं, पर्चियां मिल गई हैं और भुगतान नहीं हो पा रहा है। कितना मतलब अनाज होगा जो आप लोगों का करोड़ों में? 96,000 क्विंटल 96,000 क्विंटल तोला था, जिसमें कुछ का भुगतान हो गया है, बाकी शेष रह गए हैं लगभग 50% करीब। लगभग कितनी राशि शेष रह गई है? 50,000 क्विंटल के आसपास होगा। क्या रेट में आप लोग ने बेचा था? शासन का 2183 रुपया लगभग रेट था, उस रेट में धान बेची थी और धान तुल चुकी है, सब कुछ हो गया है। शासन हम लोगों को एक पर्चियां भी दे दी है कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से, जिसका भुगतान कर ही नहीं पा रही सरकार या सोसाइटियां नहीं कर पा रही। ये जानकारी की क्यों नहीं हो पा रहा भुगतान, क्या कारण बताया गया? बस कभी जे समिति गठित कर देते हैं कलेक्टर साहब, कभी वो समिति गठित कर देते हैं। अभी एक समिति 5-6 लोगों की करी थी, जिसमें जाके जांच किया और जांच में भी हमारे सारे किसान खड़े थे, 200 किसान थे उस दिन, और अपने अपने कागज वगैरह सब बताया और हाँ बोले कि हमारी धान के नहीं हुए, किसी ने कहा हो गए, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। दूसरे दिन पेपर में निकलता है कि समिति द्वारा दिया गया है कि कोई किसान कुछ कहने तैयार नहीं थे, ऐसा मैंने पढ़ा। पर्ची देने के बाद आपसे कितने दिनों के अंदर आपको राशि देने का वादा किया गया? पर्ची दें 7 दिन के अंदर राशि आ जाना चाहिए। और ये हुआ कि जैसे मान लो हम, मेरी धान है 8 तारीख को तुल के कम्प्लीट हो गई और हमें लास्ट डेट में 18-19 तारीख में पर्चियाँ दी गई हैं। तो अभी कितना समय हो गया आप लोगों? ये जनवरी की बात है, मतलब 8 जनवरी को धान तुली थी और आज दिनांक 15 तारीख है, 15 फरवरी। आज तक कोई कहाँ पे आए हो? क्या आज कलेक्टर के पास आए हुए हैं? तो कलेक्टर साहब शायद अभी जा चुके हैं, मिले नहीं हम लोगों को। और मांग यही है कि हम लोगों का भुगतान किया जाए और जो भी धान बाहर पड़ी हुई है वेयर हाउस के, उसे अंदर किया जाए परिवहन करके। मैं भगवत प्रसाद पटेल, बड़ौदा। भाई हम सभी किसान चंसौरिया बेयर हाउस में अपना अपना माल बेचे हुए हैं, तौल कराए हैं, मगर आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हो रही है। किसानों को चोर समझा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चूंकि किसान खून पसीना की कमाई करके वहां जो आज इतने दिन से परेशान है, मगर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा मेरे भैया, ठीक है ना? क्या है आप लोग? धान की पेमेंट नहीं आ रही है, माल नहीं उठ रहा है, माल जमा नहीं हो रहा है, किसानों को भटकाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, जे कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, किसान कागज़ पे कागज़ फोटोकॉपी करवा करवा जमा कर रहा है, मगर आखिरी में पेपरबाजी ये हो रही है कि ये व्यापारियों का माल है, कहीं किसी का माल है। टोटल ये सब किसान हैं और पूरा माल पड़ा है, किसान परेशान है, जल्द से जल्द हमारा भुगतान हो, नहीं तो किसान आत्महत्या के लिए अब तो मजबूर हो रहा है। कुल मिला के क्या इसमें कहीं कहीं अधिकारियों की मिली भगत है? टोटल मिली भगत अब तो हमें समझ में आ रही कि अधिकारी की मिली भगत से ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। हम क्या करेंगे अगर नहीं होता तो? ये नहीं होता तो क्या करेंगे? किसान अपने रोड पर आएगा, लड़ाई लड़ेगा। राजेश पटेल, कृषक, ग्राम मुड़िया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज़ स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।